हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, ये देख सकते हैं आप चना छोले की सब्जी, कितना कलर, इतना इसका इतना प्यारा कलर है और इतना प्यारे चने बने हैं बिना छोले मसाले के और बिना बहुत ज्यादा मसालों के। बिल्कुल जो घर में होते हैं मसाले, हम उन्हीं बेसिक मसालों से ही बनाएंगे चना छोले के मसाले की सब्जी। तो देखिए एकदम टेस्टी और यम्मी चना छोले। तो चलिए देखते हैं अपनी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं छोलों की रेसिपी और बहुत अच्छे, बहुत यम्मी तरीके से। और इनको देखिए, ये हमने 3-4 वॉश में हमने धो के अच्छे से भिगो दिया था ओवरनाइट के लिए, तो ये भीग गए हैं अच्छे से। और गाइस, इनको हम बॉयल नहीं करेंगे, बिना बॉयल करे हुए बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये दो प्याज दो टमाटर, दो हरी मिर्च और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो चलिए यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, ये रफली हम कट करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, टमाटर को, प्याज को, सबको ग्राइंड कर लेते हैं अलग अलग। ये देखिए गाइस, हमने टमाटर को पीस लिया अच्छे से और ये हमारा अदरक का टुकड़ा 1 इंच, वो भी हम इसमें कट करके डाल देंगे। और ये 2 हरी मिर्च, ये भी हम कट करके इसमें पीस लेंगे। ठीक है, सारा ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए गाइस, प्याज भी ग्राइंड हो चुका है, टमाटर भी ग्राइंड हो चुका है, यानी प्याज और अदरक और मिर्च का पेस्ट बन चुका है। और ये है टोमेटो पेस्ट और ये हमारे छोले। तो चलिए बनाते हैं अच्छी सी सब्जी। ये देखिए गाइस, हमने अपना फ्लेम पर चढ़ा दिया है कुकर। गाइस, हमेशा की नॉर्मल के तरीके से हम ऑयल नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा ऑयल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ज्यादा नहीं। ये देखिए, हमने लगभग 2 लीटर भर के ऑयल डाला हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हम होने देंगे, उसके बाद में मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है। छोले की सब्जी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में अच्छी लगती है, इस वजह से हमें डालना है। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम सूखा मसाला ऐड करेंगे। सूखा मसाला मतलब कि जीरा। ये देखिए, 1 भर स्पून जीरा हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये अच्छे से फ्राई होगा, उसके बाद और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें हींग डाल देंगे 2 से 4 पिंच। और अब इसमें हम अपना डालेंगे पिसा हुआ प्याज। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए गाइस, अपना हमने इसमें प्याज डाल दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। एक बात और गाइस, जब तक हमारा प्याज भून रहा है, तब तक हमने दूसरी फ्लेम पर पानी भी चढ़ा दिया, क्योंकि हम ज्यादातर सब्जी में बॉयल पानी डालते हैं, क्योंकि उससे टेस्ट हमारा अच्छा रहता है और ऑयल भी नहीं होता है, इस वजह से। इसको खूब अच्छे से भूनना है हमारे मसाले को, यानी प्याज को बिल्कुल समझ लीजिए रेड करना है, बिल्कुल रेड, इतना ही भूनना है इसको, इतना ज्यादा, क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से भुना होगा तब कलर अच्छे से आएगा। ये देखते गाइस, हमारा मसाला भुन रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं भूनना है, इसको और डार्क करना है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से डार्क करेंगे। ये देखिए गाइस, अगर आपका ये मसाला नीचे तली में चिपकने लगा है ज्यादा, जैसे कि अभी हमारा चिपक तो नहीं रहा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, अगर चिपकने लगा हो तो थोड़ा सा ऐसे पानी डाल देंगे, तो उसकी वजह से। ये देख सकते हैं गाइस, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से हमारा मसाला तली में चिपकेगा नहीं। और हम फिर से इसको भून लेंगे, क्योंकि हमको इसको जलाना नहीं है, बट कम भी नहीं रखना, खूब अच्छे से इसको भूनना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, आराम से आपको भूनना है, बिल्कुल जलाना वलाना नहीं है। ये देखिए गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भुना हुआ है, बिल्कुल डार्क हो गया। तो हमें इसी तरह से मसाला को रखना है। और अब हम अपने इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब ये देख सकते हैं गाइस, हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, अब इसको भी पकाएंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे, तो देखिए हम क्या ऐड करते हैं। ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून धनिया, सॉरी हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, देखिए। और हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 टेबल स्पून, या आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अब इन मसालों को भी इसके साथ में हम अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, खूब अच्छे से पकाएंगे कि तेल बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, अभी हमने नमक नहीं ऐड किया हुआ, तो अब नमक ऐड करेंगे। अब देखिएगा, इसी समय पर हम अपने छोलों के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो हम अपने डाल रहे हैं 1 से 1.5 स्पून हमने डाला हुआ है नमक,
सॉल्ट और आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और इसको अब अच्छे से हम फिर से पका लेंगे बिल्कुल ऑयल निकलने तक। ये देखिए गाइस, आपको पास से दिखा रहे हैं, शायद दिखाई ना दे रहा हो। ये देखिए इसमें ऑयल अब छूट चुका है, ठीक है, मसालों में। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने छोले। ये देखिए छोले इसमें ऐड कर देंगे, अब इनको भी हम पका लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने गर्म पानी दिया है एक कटोरी, तो ये डाल देंगे। देखिए डालने की वजह से देखिए इसमें बिल्कुल तुरंत बॉयल भी आने लगा है और बहुत जोर से जैसे बोलता है ना डालने पर पानी, वैसे नहीं बोल रहा है। तो एक कटोरी हमने पानी ऐड किया है, एक कटोरी और पानी ऐड करेंगे। गाइस ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ज्यादा पानी ऐड कर देंगे तो पहले से ही पतला भी हो जाएगा ग्रेवी, जो हमारी पतली हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे छोले अच्छे से पकेंगे नहीं, तो पानी इतना करना है कि छोलों से थोड़ा सा ऊपर हो सके। तो देखिए दो कटोरी में थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, तो हम हाफ कटोरी पानी और ऐड करेंगे, यानी हमें ढाई कटोरी पानी ऐड किया हुआ है। ये देखिए, तो अब देखिए इसमें हमें और क्या ऐड करना है। ये देखिए गाइस, इसमें हमने हाफ कटोरी और पानी ले लिया है, इसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें हम ऐड करेंगे अपना, ये देखिए दो टीस्पून चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती दो टीस्पून। अब इसको अच्छे से बॉयल करेंगे और खूब अच्छे से गाढ़ा करेंगे, ठीक है, पका के। देख सकते हैं गाइस हमारी चाय पत्ती अच्छे से बॉयल होने लगी है, तो इसको अच्छे से कम एक मिनट तक इसे बॉयल करेंगे, जिससे कि ये बहुत बढ़िया गाढ़ी हो जाए, तो इसको बाद में हम डालते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी बॉयल हो चुकी है, तो इसको हम अब डाल देंगे अपनी सोते में। वैसे आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे छोले बिना चाय पत्ती के ही कितना अच्छा कालापन आया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से मसाला भूना हुआ था इस वजह से। और अब हम इसमें अपनी ये चाय पत्ती का पानी छान लेंगे, आपके पास टी बैग हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, तो ये अच्छे से हम इसमें छान कर डाल देंगे। और अब डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से मार्केट जैसा एकदम आएगा, बिल्कुल जैसे मार्केट में स्वाद आता है उसी हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से मिला देंगे और अब हम फ्लेम बंद करके 7 से 8 सीटियां बुलाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आगे। ये देखिए फ्लेम हम बंद कर देंगे और हम इसमें 7 से 8 सीटियां बुलाते हैं, फिर मिलते हैं आगे। ये देखिएगा एक सीटी आने वाली है, अब हम क्या करेंगे, एक सीटी आने के बाद में फ्लेम को लो कर देंगे, लो करने के बाद में 5 से 6 सीटियां और आने देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सीटी आ चुकी है, तो अब धीमा कर देंगे। और गाइस अब धीमी कर दी है फ्लेम, अब इसमें 5 से 6 सीटियां और बुलाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं 5 से 6 सीटियों के बाद। ये देखिए गाइस, चलते हैं देखते हैं अपने कैसे हुए हमारे छोले, तो खोल कर देखते हैं। ये देखिए गाइस कलर देख सकते हैं आप, कितना प्यारा कलर आया है। और गाइस सारे छोले जो चने हैं वो एकदम पक गए हैं अच्छे से, तो चलिए दिखाते हैं आपको। गाइस कलर देख सकते हैं आप अच्छे से, कितना बढ़िया ब्लैक कलर आया है। और आपको हम एक चना फोल्ड कर भी दिखाते हैं, देखिएगा। ये देखिए दिखा देते हैं आपको, वैसे तो चने हमारे कुकर में ही सीटी की लगने की वजह से ये देख सकते हैं दो टुकड़ों में हो गए हैं, सारे नहीं हुए, थोड़े से हुए हैं। और ये देखिए आपको हम, ये देखिए बिल्कुल हल्के से प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए टूट रहा है, बिल्कुल मैश हो जा रहा है। अभी एक मिनट हाथ से दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये बिल्कुल भी हमें कुछ प्रेशर नहीं देना पड़ा, एकदम से हो गया है। तो चलिए इनमें हम डालते हैं हरी धनिया और सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस आज की हमारी ये रेसिपी, तो देख सकते हैं कोई छोले मसाला, ये कोई गरम मसाला हमने नहीं ऐड किया हुआ है, बट हमारे कितने प्यारे और कितने यम्मी छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देखिए हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।